वर्चुअल होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि वक्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश की मुख्य शोध अधिकारी डॉक्टर अनीता साबनानी जी के द्वारा शुद्ध आहार बनाम मानव शरीर विषय पर विटामिन और पौष्टिक तत्वों के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए हम कहें तो भोजन हमारी नेसेसिटी है, उसके बिना हम नहीं चल सकते। अब अगर हम नहीं चल सकते तो भोजन के कुछ कार्य हैं, तो हमें जो हम भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे सरल भाषा में कि हमसे ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम अपने डे टू डे की एक्टिविटीज जो है उसको पूरा कर सकते हैं। उसके द्वारा शरीर को पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर को मजबूत करते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे बेसिक बात है कि हमारी भूख मिटती है, क्योंकि हमको तो मेन एक ही चीज समझ में आती है कि भूख मिट गई, हमें लगा हमने भोजन पूरा कर लिया। तो मेन कार्य यही रहते हैं जो हमें पौष्टिकता देना है, हमारी भूख मिटाना है और मेन हमें एनर्जी चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए। तो अब इतने सारे भोजन हैं, इतने तरह तरह के वो बने हुए हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने मतलब कि हम जो आहार वाले जो लोग होते हैं, एक संस्था है हमारी ICMR की, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसका एक इंस्टीट्यूट है NIN, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन। उन्होंने जितने भी भोज्य पदार्थ इस धरती पे हैं उनको कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि अगर हम उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे लिए तो वास्ट प्रोडक्ट्स हो गए, कभी कोई एक फल हो गया, कभी कोई एक अनाज हो गया, कभी कोई एक सब्जी हो गई, कभी कोई एक आपका दूध हो गया, कहीं आपका मांस मछली हो गया। तो उस सब को उन्होंने 6 भागों में पूरा कैटेगराइजेशन किया। पहले हो गए हमारे अनाज, सारे जितने भी तरह के अनाज हैं, जैसे आपके गेहूं हो गए, चावल हो गया, आपका जितने भी मक्का है और आपका ज्वार है, बाजरा है, ये सारे आपके अनाज हो गए। उसके बाद आपकी जितनी भी दलहन और फलियां हैं, जितनी भी दालें हैं और जितनी भी फलियां, जितने भी हम लोग हरी फलियां भी होती हैं उसमें, नॉर्मल वैसे सूखी फलियां भी होती हैं। फिर तीसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है हरे पत्तेदार सब्जियां और दूसरी सब्जियां और साथ में फल, ये जितना भी ग्रीन और हमारा येलो एंड ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में किया है। उसके बाद हमारे दूध और दूध से बने उत्पाद, फिर हमारा वसा और शर्करा और तेल, और मांस, अंडे, मछली और सूखे मेवे। अभी 6 कैटेगरीज में जितने भी हमारे खाने वाली चीजें हैं उन सबको हमने ग्रुप कर दिया है। उस ग्रुप का करने का मेन रीजन यही है कि उससे जिससे हमें समझने में आ सके कि हमें किस चीज से, किस एक ग्रुप से क्या खाना है और कितना खाना है। अब ये तो बात हुई कि हम जो फूड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं तो ये तो हमको नेचर देता है, पर शरीर को हमारे इन किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं। शरीर को क्या चाहिए, अब वो आगे देखते हैं। शरीर को चाहिए पोषण करता है, जैसे अगर हमने कुछ भी खाया, हमने एक दाल खाई, तो उसके अंदर हमारा दाल से कोई लेना देना नहीं है शरीर को, शरीर को उसके अंदर का पोषक तत्व चाहिए और वो पोषक तत्व हुआ प्रोटीन। तो शरीर का पोषक तत्व और हमारे फूड प्रोडक्ट्स का जो क्वांटिटी है उन सब का बैलेंस ही ये पोषण या न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, जो प्रक्रिया जो चलती है कि आपका आया शरीर के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट, उसमें से उसने निकाला, अपना प्रोटीन निकालना है या उसे कार्बोहाइड्रेट निकालना है, क्योंकि ये आजकल बड़े कॉमन टर्म्स हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज, और ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें आप लोग सुनते हो गए अक्सर। तो पर इन सब चीजों की हमें जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमें हमारे शरीर को विकास करने के लिए, उसको अपनी मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं के विकास करने के लिए, ऊर्जा, सुरक्षा, ये सब प्रदान करने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो इसी भोजन से हमें प्राप्त होता है। और न्यूट्रिशन जिसकी हम बात करते हैं वो इन पोषक तत्वों को पूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे रक्त का बॉडी में ब्लड का फ्लो, हड्डियों की मजबूती, शरीर का विकास, ये सब प्रक्रियाएं हमारी जब हमारा न्यूट्रिशन सही रहता है तो वो शरीर करता है। तो अब हमने इन दोनों चीजों को, जो हमारे पौष्टिक तत्व है और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको मैच करते हुए एक वो बनाया है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो ये जो पहला हमारा वो था सीरियल्स और वो सब, उनमें ज्यादातर आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स होते हैं। दूसरा हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन, जिसके बारे में बहुत हल्ला होता है कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कम है, ये है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा अक्सर, प्रोटीन के बारे में बहुत बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें होती है, जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन शेक पीना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब हमारी जितनी भी दालें हैं, हमारे नट्स हैं, जितने हमारे सूखे मेवे हैं, दूध है, इन सबसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। शरीर प्रोटीन समझता है, उसको आपके उससे मतलब नहीं है कि आपने गेहूं से दिया है उसको या आपको दाल से दिया है, उसको प्रोटीन से मतलब है। फिर तीसरा पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो होता है विटामिन और खनिज लवण।
और ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी कोविड हुआ या जो पहले डेंगू और ये सारी जितनी भी बड़ी बीमारियां जो अभी इस युग की बीमारियां हमने अब कहना उसको जैसे कहना शुरू कर दिया है, तो आपने बहुत एक कॉमन वर्ड सुना है इम्यूनिटी, बहुत सुनते हैं लोग इम्यूनिटी इससे अच्छी हो जाएगी, तो ये वही सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक जो हमारा तत्व होते हैं वो जब हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें देते हैं उनसे ही हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं, ये विटामिन और खनिज लवण आपको इम्यूनिटी देते हैं।